नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। बॉलीवुड पर मचे हंगामे के बीच हर रोज नए खुलासे। ड्रग्स को लेकर अभिनेत्रियों सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और फैशन डिजाइनर सिमुन खंबाटा को एनसीबी समन भेजने की तैयारी कर रही है। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा की नई व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें दो अभिनेत्रियों की ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा हो रहा है। इनमें से एक अभिनेत्री बताई जाती है जिसका नाम एन से शुरू होता है, वो व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की डिमांड करती दिख रही है। एक और चैट में एक अन्य उभरती हुई अभिनेत्री जिसका नाम एस से शुरू होता है, उसके साथ भी बताया जा रहा है कि ड्रग्स पर बातचीत हो रही है। ये अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हो रही है खुलासे कितने संवेदनशील हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की संसद में आज एक बार फिर यह मुद्दा उठा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो रेगुलेटर बनाने की मांग तक उठा दी है। इसलिए दंगल में आज सीधा सवाल है, क्या अब उड़ता बॉलीवुड पकड़ में आएगा? ये देखिए, ये व्हाट्सएप चैट है जो जया साहा के मोबाइल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ी है और इसके आधार पर ये बड़ा इशारा मिला है कि कुछ अभिनेत्रियां, पुरानी अभिनेत्रियां भी और नई अभिनेत्रियां भी, वो ड्रग्स चैट में शामिल थी। ड्रग्स मंगाने के लिए जय साहा को वो व्हाट्सएप कर रही थी। तो हम आपको सीधे मुंबई लेकर चलेंगे। हमारे साथ अरविंद ओझा रहेंगे, हमारे सहयोगी, और साथ ही आपको बताएंगे हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इन व्हाट्सएप चैट से शुरू हुआ बवाल आगे कहां तक जा रहा है, तो हमारे साथ आ गए हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं, वो नेता है अकाली दल के, जिन्होंने एनसीबी से शिकायत की फिल्मी सितारों को लेकर कि इनकी ड्रग्स जांच होनी चाहिए। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और शिवसेना के समर्थक माने जाते हैं। ममता काले हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार आवाज उठा रही हैं। नासिर अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, अभिनेता हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और अक्सर लगातार इस पूरे प्रकरण के दौरान पक्ष रख रहे हैं बॉलीवुड के और सहयोगी साथियों का। अनन्या सेठी हमारे साथ आ गई हैं, वो अभिनेत्री हैं। सबसे बात करें उसके पहले आपको एक बार सीधे मुंबई लेकर चल रहे हैं अरविंद ओझा, मेरे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ मुंबई से आ गए हैं। अरविंद ओझा, ड्रग चैट एक और अभिनेत्री की सामने आई जया साहा के साथ, क्या आपको लगता है कि जिन चार के नाम आप बता चुके हैं इनको समन जाएगा, उनके अलावा भी कई सारे और नाम अब सामने आ सकते हैं जल्दी? जी बिल्कुल, देखिए ये ओपन सीक्रेट था कि बॉलीवुड में ड्रग्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन अब ऑफिशियल आ रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक के बाद एक खुलासा कर रहा है। देखिए चार नाम, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, इनको तो संबंध जाना ही जाना है, लेकिन अब आज तक के पास जया साहा से कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस के भी चैट हैं, जो नए चैट हैं, जिसमें एक श्रद्धा कपूर है, उसके अलावा 90 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री, उनका भी व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन उससे भी बड़ा, दो बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री, उनके भी बीच व्हाट्सएप चैट है, जिसमें एक अभिनेत्री है उनका नाम डी से शुरू होता है रोहित, और दूसरी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उनका नाम के से शुरू होता है। उन दोनों के बीच भी व्हाट्सएप चैट हो रही है ड्रग्स को लेकर। जया साह एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ रही है, एनसीबी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये ओपन सीक्रेट था, मुंबई में सभी को मालूम था कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अब जांच पे खुलासे हो रहे हैं। अब ऑफिशियली तौर पर एक एजेंसी वो खुलासे कर रही है, वो पूछताछ कर रही है और वो अब लगातार संबंध भेजने की तैयारी में है और अब पूछताछ करेगी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। और आज तक ने तो पहले ही खुलासा कर दिया था कि 25 नाम का एक डोजियर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किया है जिनका लिंक बॉलीवुड से है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा। 25 नाम, अरविंद ओझा बोल रहे हैं कि 25 नाम कम से कम है जिनको समन जाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ के नाम सामने आ चुके हैं, चार नाम बता चुके हैं अरविंद ओझा आपको, और कुछ के चैट्स अब पता लग रहे हैं, बड़ी अभिनेत्रियां हैं जिनके चैट्स अभी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। मनजिंदर सिंह सिरसा, अब पकड़ में आएगा उड़ता बॉलीवुड? आवाज आ रही है मेरी सिरसा जी? आप तक शायद सिरसा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रेम शुक्ला, अब पकड़ा जाएगा उड़ता बॉलीवुड? निश्चित तौर पर, और जिस तरह की अन्वेषण धर्मी पत्रकारिता आप सब कर रहे हैं उससे भी निश्चित तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लीड मिल रही है।
और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह से बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया का रैकेट ओपन किया है, जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, निश्चित तौर पर इसका परिणाम ये होगा कि ड्रग्स लेने वाली जो कौम बॉलीवुड में डेवलप हुई है वो ड्रग्स लेने से खुद को डरेगी, रुकेगी, और उसका थमना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स का प्रभाव प्रकोप बॉलीवुड पर हुआ है उसका दुष्परिणाम बड़े पैमाने पर होना है। जब जिस बॉलीवुड के कारण आदर्श उठाने का एक जरिया तमाम देशवासियों को प्राप्त हुआ है, बहुत सारे आदर्श जो बॉलीवुड की फिल्मों से निकल कर आते हैं, उन फिल्मों से निकले हुए आदर्शों को लोग अंगीकार करते हैं, अगर इस तरह के लोग बॉलीवुड में सक्रिय है तो स्वाभाविक तौर पर उसका परिणाम उनके निर्माण पर पड़ेगा, और उनके निर्माण का यह परिणाम समाज पर भी स्वाभाविक तौर पर पड़ता है। जहां से आदर्श निकलने चाहिए वहां से यदि आपराधिक गतिविधियों की संलिप्तता सामने आ रही है तो ये समाज के हित में नहीं है। सिरसा जी, चार बड़ी फिल्म स्टार्स जिनके नाम आ चुके हैं, स्टार्स हैं तीन और एक फैशन डिजाइनर, और उनके अलावा कुछ और की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। इसी उड़ते बॉलीवुड पर आप लगातार तीर चला रहे थे पिछले कुछ दिन से कि इनको पकड़ो, इनको बुलाओ पूछताछ के लिए, इनको बैठाओ, पूछो इनसे, तब चीजें पता लगेंगी। जी बिल्कुल, हम तो बहुत देर से ये कह रहे थे, लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा करना चाहते थे ये तो जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा। देखिए रोहित जी, जब हमने ये सवाल उठाया 2019 में तो मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी ठीक नहीं समझी, और मैं आपको रोहित जी पहले भी कहा था, आज फिर से एक बार याद दिला दूं, इसके अलावा जो मैंने कंप्लेंट की एक और केस में, वहां पे वो सोशल मीडिया पे एक अदाकारा ने कुछ ऐसा लिखा था जो आपत्तिजनक था, और मैंने उसकी कंप्लेंट की, मुंबई पुलिस ने उसके लिए तो मेरे से बातचीत भी की, मुझे मेल भी भेजी, लेकिन ड्रग्स का इतना सेंसिटिव और इतना सीरियस इश्यू हो और मुंबई पुलिस उस पर चुप्पी साध ले, अब तो देखो, अब तो ये सब आपके सामने आ गया, आपका टीवी चैनल एक्सपोज कर रहा है कि जो बात मैं 2019 में बार बार चला चला के कह रहा था, उसकी फॉलोअप कंप्लेंट्स भेज रहा था, रिमाइंडर्स भेज रहा था कि आप इस पार्टी को इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसके अंदर सब कुछ है, ड्रग्स भी हैं और वो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि खुद गलत हैं, आज तो सामने आना शुरू हो गया, एक एक करके सब नाम आ रहे हैं। और मैं रोहित जी आपको ये भी बताना चाहता हूं, वो पार्टी को अगर आप एक मिनट के लिए साइड पर छोड़ भी दें, लेकिन अभी जो खुलासे होंगे, जो लोग इन्होंने पकड़े हैं और वो जो नाम बता रहे हैं, जो उस पार्टी के लोग थे उन सबके नाम बिना उस पार्टी के भी सामने आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेक्सस वही है, सप्लायर भी वही है और वही लोग हैं लेने वाले और वही लोग हैं देने वाले, लेकिन इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा गलत फहमी ये पैदा होगी कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, सारा सिस्टम इनकी जेब में है, कानून से ऊपर है, कानून इनसे नीचे है और मुंबई पुलिस इनकी जेब में, इसलिए देश इनकी जेब में है। लेकिन अब इनको आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो गया कि ठीक है, मुंबई पुलिस को आपने जेब में डाला लेकिन बाकी देश की एजेंसियां आपकी जेब में नहीं, और कानून के सामने आप बड़े बोने हैं, अभी आप देखें सबके नाम खुलेंगे और वो सब लोग नाम आएंगे जो मैं पार्टी के अंदर चला चला के बोलता था नशा कर रहे हैं, अब उन सबके नाम आपके सामने आते जाएंगे। नासिर अब्दुल्ला, आप कैसे बचाएंगे उनको? मैंने तो नहीं बचाना, आप मेरे से क्यों कह रहे हैं कि कैसे बचाएंगे? अच्छा, तो आप अब तक जो बोलते आए वो इनको बचाने के लिए नहीं बोलते? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए आप तो, और ये जो काम है सारे एंकर जो आप है, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं सर कि मैं आपके मुंह में अल्फाज डाल दूंगा। सवाल सवाल कोई और पूछिए, इतनी सारी फिल्में आप कर चुके हैं, मैंने सोचा नहीं कैसे। मैं जानता हूँ कि आप, सवाल क्या है, मैं जानता हूँ कि आपको डायलॉग दिया जाता है, आपको याद करके बोलना होता है, वो मैं समझता हूँ इस बात को, मैं आपको डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, क्या आप इनको बचाएंगे? मैंने तो बचा, अगर बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? क्योंकि आपने पहले भी मेरे से कहा, यहाँ बैठ के फिर से कहूंगा, आपने पहले भी यहाँ बैठ के कहा कि बॉलीवुड में क्यों जांच कर रहे हो, बाकी जगह क्यों नहीं कर लेते? मैं आपको जवाब, तो वो बचाने के लिए नहीं कहते थे? आप जवाब देता हूँ, आप ही बोले जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं या आप मेरे से सवाल? अच्छा, जब मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा नहीं मेरे पास जवाब नहीं है, उसके बाद मैं सवाल समझा रहा हूँ तो आपको भाषण लग रहा? ओ मेरे मालिक, अभी भी मेरे राधे श्याम, अभी भी कुछ खा के बैठ गए क्या? बताता हूँ बोलिए। पिछली बार आपने कहा था जल्दी बताइए, आप कह रहे हैं बताओ कैसे, तो आराम से समय दे रहा हूं। बातें करते ठीक है, भूमिका इतनी लंबी खिंचती जा रही है, ले लो समय, कोई बात नहीं, बोलिए ना, सुनिए, बोलिए। हाँ बोलूंगा, मुझे क्यों उत्साह रहे हैं आप? तो बात यह है कि जो एक्चुअल केस जहाँ पे शुरू हुआ था वो था ये मालूम अपना करने के लिए कि सुशांत सिंह का जो देहांत हुआ वो होमिसाइड या फिर मर्डर या फिर सुइसाइड हुआ। फिर ये भी बात थी कि शायद ड्रग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ड्रग्स का माफिया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
उसके लिए वो जो नारकोटिक्स जो ब्यूरो है वो भी आगे बीच में, अच्छी बात है। अब मुझको लग रहा है कि ये जो चीज है जो मेन केस के लिए आए थे उससे अलग हट करके एक और इशू को उन्होंने पकड़ लिया है, सही है, क्योंकि मामला संगीन हो सकता है। ड्रग्स के डीलर्स हैं जो सबसे ज्यादा जो मतलब ये कि सजा मिलती है ड्रग्स के डीलर को मिलती है, जो इस्तेमाल करता है उसको कम मिलती है, और कौन से ड्रग्स इस्तेमाल हुए ये भी देखना है। अगर गांजा ग्रास पास है, ये हल्का फुल्का ड्रग है जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार में इस्तेमाल होता है, बहुत से सन्यासी लोग हैं आराम से पीते हैं, शिव जी का उसको प्रसाद बोलते हैं। अच्छा, तो ये शिव जी का प्रसाद लेते हैं बॉलीवुड में सब लोग, भाई हजारों साल से होता आ रहा है, प्रसाद मंगा रही है व्हाट्सएप से, जो मंगा रही है अब जिसका चैट दिखा रहे हैं वो व्हाट्सएप से प्रसाद मंगा रही है। फर्क ये है, हार्ड ड्रग्स आ गए हैं, हार्ड ड्रग्स जो के सेहत के लिए 10 गुना हानिकारक होते हैं, इनके बारे में भी जानता हूँ मैंने 10 साल आप से तो जानते ही होंगे सर, ज्यादा काम नहीं किया है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। आपने बॉलीवुड में काम नहीं किया सर, आपका नाम डालता हूँ गूगल पे, इतनी सारी फिल्में आ जाती हैं, आप कहते हैं आपने बॉलीवुड में काम नहीं किया। साउथ अहमदाबाद से बंगाल तक लेते हैं और हर जगह पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा जरूर, क्योंकि बगैर पुलिस के हेल्प के हो नहीं सकता। पंजाब में एक ऐसी बस्ती है जिसको विधवाओं की बस्ती कहते हैं, क्योंकि उसके सारे मर्द लोग मर गए हैं ड्रग्स ले लेने के, तो बहुत ही संगीन मामला है। हाँ, लेकिन इसको बात तो बता सही वक्त पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो बॉलीवुड में मैडम जिनका नंबर और जिनकी चैट सामने आ रही है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर को व्हाट्सएप करके बोल रही थी कि ये चीज मेरे लिए ले आओ, वो शिवजी का प्रसाद मंगा रही थी, ये पार्टियों में शिवजी का प्रसाद खाते पीते हैं सब लोग। गांजा को शिवजी का प्रसाद ही बोलते हैं। अच्छा, वहां पे ऋषिकेश अच्छा, में अच्छा मैं मिला हूँ वहां पे सन्यासियों से, वो अच्छा, पीते हैं अच्छा, क्योंकि भगवान को ढूंढने में थोड़ा थक जाते हैं, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है। आप तो रिसर्च कर रहे थे उस पे? अपना कभी रिसर्च नहीं, मैंने देखा आपका डॉक्टरेट है उसमें सर। मैंने देखा है, मैंने अच्छा, सुना है उनके मुंह से, 10 बार जा चुका हूँ वहाँ पे मैं। अच्छा, आपने केवल देखा है, देखने में इतना सीख गए आप कि कौन सी रखने से दिक्कत होती है और कौन सी खाने से दिक्कत होती है, कौन सी हार्ड है और कौन सी सॉफ्ट है और कौन सी प्रसाद है। सीखूं आप मेरे बाप से, देख के सीख गए आप, क्या सीखूं क्या ना सीखूं, आपसे पूछ के जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, मैंने कब कहा सर कि मुझसे पूछ के जाइए, मैंने तो कहा हमें भी बता दीजिए, आगे बढ़िए, थोड़ा हम लोग भी सीख ले। ये कि ममता काले के पास जाइए, ममता मैडम के पास तो जा रहा हूँ सर, लेकिन उससे पहले आपसे तो पूछना पूरा कि आप वहाँ जो गए थे बाबा जी से वो रिसर्च कर रहे थे जब सीखने के लिए गए थे? नहीं, मैं वहाँ पे गुरुओं से मिलने गया था, सन्यासियों से मिलने गया था। ठीक है सर, सन 74 से जा रहा हूँ जब अच्छा। आप एक्चुअली पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक, हाँ सर, हो सकता है नहीं हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं, सच बात है, हो सकता है मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। तो आगे बढ़िए, आपका अध्ययन सर इतना पुराना है, मैं हो सकता है पैदा ना हुआ हूँ, आपने इतना अध्ययन किया है तो भी आप नहीं बता रहे कि बॉलीवुड में ये बाबा जी का प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद क्या के लिया जाता है क्या, जिसके लिए वो व्हाट्सएप चैट पे मंगा रही थी मैडम, जिनको जांच के लिए बुला रही है एनसीबी? ऋषिकेश में कहते हैं, ऋषिकेश में कहते हैं शंकर जी का। बॉलीवुड के बारे में आप जानते नहीं ज्यादा, आपको बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। नहीं सर, मैं गया नहीं, लोग वहाँ पे इसको ये कहते हैं। नहीं सर, मैं गया नहीं, ना मैंने किसी से पूछा कि आप क्या पी रहे हैं और इसको क्या बोलते हो, मैं गया नहीं सर। उल्टी सीधी बात मत कीजिए, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, प्लीज, अच्छी बात नहीं है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, मत कीजिए ज्यादा, आगे बढ़िए सर, प्लीज आगे बढ़िए। मैंने तो कहना था, ये तो सर मतलब आप नासिर साहब, ये तो बड़ी मतलब नाइंसाफी है ना सर, मैं जो बड़ी नाइंसाफी है नासिर साहब, देखिए मैं आपसे इतने सम्मान से इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बुरा भी मान रहे हैं उसके बाद, अच्छा सम्मान, चलिए अगली बार नासिर जी, अगली बार अतिरिक्त 100 ग्राम सम्मान डाल के बात करूंगा, अब रुकते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक प्लीज, पहले भी आपने अब एक्स्ट्रा 100 ग्राम सम्मान डाल के बात करूंगा, अब प्लीज, ओके, आगे बढ़िए। हाँ सर, बढ़ गया, गो टू समवन एल्स सर, ये ऋषिकेश नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मत करिए, अब बैठिए आराम से, प्लीज। हाँ, कुछ खा लिया है तो कोई बात नहीं, पानी पीजिए, शायद उसका असर कम हो जाएगा। ओके ममता जी, वो चाहते हैं मैं आपके पास आऊँ तो मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, पानी पीजिए सर, पानी ऐसे नहीं डालते हैं, आप जैसे डाल रहे हैं आदतन वो कुछ और डलता है वैसे। अब ममता काले, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, अब नासिर साहब आपकी आवाज कम कर रहे हैं, आप बोलते रहेंगे क्योंकि आपको आदत है कार्टून की तरह दिखते रहने की, आप करते रहिएगा, मैं ममता के पास जा रहा हूँ। ममता,
अब मेरा सवाल यह है, जो ये कह रहे हैं कि साहब वो तो साधु संत करते हैं, हाँ जी, और वो तो शंकर जी का प्रसाद होता है, ये व्हाट्सएप पे शंकर जी का प्रसाद मंगा रही थी मैडम, ये एनसीबी अब शंकर जी के प्रसाद की जांच कर रहा है, क्या कहा, क्या क्या कह के जस्टिफाई करेंगे लोग? बिल्कुल, मैं रोहित जी धन्यवाद, मैं इसीलिए हंस रही थी, और मैं नासिर साहब को यह बताना चाहती हूँ कि भगवान शंकर को आज महादेव जी का दिन है, सोमवार है, भगवान शंकर जी को तो दूध चढ़ता है, तो ये जो ये नार्कोटिक्स वाले गैंग है, ये बॉलीवुड का दम मारो दम गैंग है, ये बॉर्नविटा दूध क्यों नहीं पीता भाई, बॉर्नविटा में दूध में बॉर्नविटा मिला के पी ले, शंकर भगवान जी का प्रसाद, शंकर जी को तो दूध चढ़ाते हैं हम सारे लोग, लेकिन अब जो है ना इन्होंने जो दूसरा प्रसाद पी लिया है ना, अब इनको एनसीबी वाले बाबा जी का ठुल्लू देने वाले हैं, वही बाबा जी जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं उनका ठुल्लू उनको मिलने वाला है, अब जब एक के बाद एक समन जाएंगे और उनको तलब किया जाएगा और जब पूछा जाएगा इनकी चैट्स निकाल निकाल करके कि भाई तुम लोग ये झूम बराबर झूम पार्टीज जो करते हो, हिंदुस्तान को गुमराह करते हो, हिंदुस्तान पर कुठाराघात करते हो, और उसके बाद अपनी थाली की बात करते हो, थाली तो इनकी है ही नहीं, थाली तो इनकी छलनी है, उसमें तो छेद ही छेद है, इतने छेद है कि उसमें मतलब पानी टिकने का प्रश्न ही नहीं है, तो ये लोग जो उस कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग थाली की बात कर रहे हैं ना रोहित जी आज, वो जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, वो बड़े हाई एंड माइटी बड़े बड़े घराने के बॉलीवुड के लोग जो स्टेटस को जो है आज उससे बड़े ही प्रसन्न है, वो चाहते ही नहीं है कि जो स्थिति है वो बदले, क्यों? क्योंकि सारी कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में है, वो शॉट लगाते हैं वहां पर, वो चाहते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन टिका रहेगा, इनकी चरण वंदना करो, इनके चरणों को छुओ, उसके बाद आपको रोल्स दिए जाएंगे। ये ड्रग्स वाली जो इनकी पार्टी है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ, अलग चीजें ममता जी, दो अलग अलग चीजें हैं, नहीं बुलाते हैं ममता जी, क्योंकि वो इन चीजों से अलग रहना चाहता था। अब दो अलग अलग चीजें हो गई, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की जांच तो चल रही है, लेकिन अब पैरेलली एक ड्रग की जांच भी खुल गई है, हाँ जी। क्या ये बॉलीवुड में किसी बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रहा है मामला पूरा का पूरा? बिल्कुल, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, इनकी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली नहीं है, सड़ी हुई है, बर्बाद है, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले रोहित जी, अभी आपके एक पत्रकार बंधु बता रहे थे कि कुछ बड़े बड़े नाम है जिनके किसी इस अल्फाबेट से उल्फ एस अल्फाबेट से नाम शुरू होते हैं, ये सबकी कलाई खुलने वाली है, ये सारे के सारे बाहर निकल करके आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, जब रिया चक्रवर्ती को समन गए थे एनसीबी से तो क्यों ये सारे घबरा गए थे, क्यों इन्होंने हैशटैग सेव रिया चक्रवर्ती चलाया था? सुशांत के लिए तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, कंगना रनौत के लिए तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, क्यों? क्योंकि रिया इनकी ताई है, इनकी ड्रग पेडलर है, वो उनके कनेक्शन में है, तो अगर रिया अंदर जाएगी तो बड़े बड़े अच्छे अच्छों के नाम खुल करके आ जाएंगे, एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है, इसलिए इन्होंने हैशटैग रिया चला दिया, और रिया ने भी बाय द वे अंदर जाने से पहले सबको धमकाया था कि अगर मैं अरेस्ट हुई तो सबका नाम ले लूंगी, तो ये गंदगी को ना, लेकिन रोहित जी साफ अनन्या सेठी आपके पास आ रहा हूँ, क्या बॉलीवुड का असली चेहरा वही है जिसको आज एनसीबी सामने रख रही है? क्या बॉलीवुड का असली चेहरा वही है जो लोग नासिर अब्दुल्ला को देख के देखते हैं कि भाई हाँ ऐसा ही होता है, बॉलीवुड का सितारा, फिल्म स्टार, फिल्म में काम करने वाले सब लोग ऐसे होते हैं? ये मेरे लिए राइट होगा बोलना कि पूरा बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व है, जैसे लोग कहते हैं 90% इन्वॉल्व है, हो सकते हैं 90% इन्वॉल्व हो, सकते हैं 90% ना भी हो, तो मैं सब पे उंगली तो नहीं उठाना चाहूंगी, बट यस मुझे लगता है ऐसा होता है, और यहाँ पे ना लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो इसको बहुत पर्सनली ले रहे हैं, जैसे उनको बहुत पर्सनल अटैक हो रहा है, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आपका जो इतना प्रिय बॉलीवुड है जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिसके डिफेंस में आप इतना ज्यादा बोलते हो कि हमारी बॉलीवुड को गटर कैसे बोल दिया, हमारे बॉलीवुड से होते हुए आप उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो, अगर आपको इतना ही अपने बॉलीवुड से प्यार है तो अगर उसमें कोई गंदगी है तो उसको साफ करने में आप लोग को तो जुड़ना चाहिए साथ, चाहे वो सीनियर जो बहुत पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में, शायद उनके टाइम पे ड्रग्स का इतना नहीं होता था, उनको तो उल्टा और बाहर आना चाहिए, जिनके बच्चे इंडस्ट्री में अभी अभी घुसे उनको डरना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ये बहुत इग्नोर करके या बहुत ये चीज एक्सेप्ट करके नॉर्मली ड्रग्स के बारे में बात करके वो लोग एक बहुत ज्यादा गलत मैसेज भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि हर चीज में ये लोग चुप्पी करते हैं, बॉलीवुड पर अटैक होता है तो बाहर आते हैं,
आप अपने प्रिय बॉलीवुड जो बॉलीवुड के लोगों का फैमिली मानते हो, आप उसकी क्लीन अप में क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, सब लोग ड्रग्स नहीं करते, ठीक है, पर जो लोग नहीं करते ड्रग्स वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? ठीक है, क्राइम होते हुए देखना भी तो एक गलत चीज है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोल रहे? मेरा क्वेश्चन है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनके दोस्त है, उनके फैमिली मेंबर्स है, वो क्यों नहीं बोलते? ठीक बात है अनन्या, किसको इंप्रेस, वो किसको इंप्रेस करने की कोशिश करे, ये मेरा आज सवाल है सबसे, किसको इंप्रेस करे वो? ठीक है रवि श्रीवास्तव, क्या बेहतर नहीं होता बॉलीवुड के अंदर से ये आवाज उठती? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर से नहीं उठी तो आज जब क्लीन अप की कार्रवाई बाहर से हो रही है तो बॉलीवुड के लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि देखो साहब हमें टारगेट किया जा रहा है, देखो जानबूझ के इधर की तरफ जांच घूम गई जबकि हो रही थी सुशांत की मौत की जांच। रवि श्रीवास्तव जी बोलिए। जांच किसी भी तरफ मुड़े कोई समस्या नहीं है। मैं आपके चैनल पर ही कई बार कह चुका हूं कि जो ड्रग लेते हैं ये सफाई होनी चाहिए और जो ड्रग लेते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मगर एक बात मेरी आप सुन लीजिए जो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ये एडिक्ट हैं, ये विक्टिम्स हैं, ये अपराधी नहीं है। अपराधी वो है जो बल्क में स्टॉक करते हैं, जो बल्क में स्मगल करते हैं, जो लेके आते हैं और कुछ लोगों के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। पकड़ने की जरूरत उस आदमी को है कर्नाटक के एमएलए मारुति को जिसके पास 1.3 टन हशीश बरामद हुआ है, उस तरह के लोगों को पकड़ने की जरूरत है। ये अपराध नहीं है इतना बड़ा, ये लोग अगर पकड़े भी जाएंगे तो छोटे मोटे फाइन देके छूट जाएंगे। तो इसलिए पकड़ने नहीं चाहिए इनको, संजय क्योंकि छूट जाएंगे इसलिए पकड़े ही नहीं, बहुत लोग छूट चुके हैं। नहीं पकड़िए ना, मैं सब मना कर रहा हूँ, मैं तो किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ, आप जरूर पकड़िए, मगर ये लोग अपराधी नहीं है। अपराधी वो है जो लेके आते हैं, मतलब आप भी इसको मतलब सॉरी टू से ममता जी एक्सेप्ट, ममता जी एक्सेप्ट, वो एनसीडी 40 साल से यहाँ कैसी अपराध नहीं है तो उसको वो नहीं दिखते रवि जी आप। ममता जी एक सेकंड, और दूसरी आवश्यक बात आप मुझे ये बताइए, जब छोटी मछली पकड़ी जाएगी तो जो बड़ा ड्रग माफिया है उस पर हाथ जाएगा, और वो जो बड़े बड़े ड्रग माफिया है ना जिनके बड़े रसूखदार बॉलीवुड के परिवारों से संबंध है और जो आप भी जानते हैं और हम सारे लोग जानते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, भाग रहे हैं वो बड़े लोग हिंदुस्तान को छोड़ करके। अगर इनको इतना डर नहीं है तो आप मुझे ये बताइए रवि जी, ये बड़े बड़े नाम वाले बॉलीवुड वाले फ्लाईआउट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मुझे बताओ कौन भाग रहा है? अपने घर में पैंडेमिक में रहो, सात्विक भोजन करो, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो जाएगा? जब अभी पूरे पैंडेमिक में आप लोग अपने घरों में रहे, अपने फार्म हाउसेज में रहे, अब जब नार्कोटिक्स का छापा पड़ रहा है, एनसीबी छापे मार रही है, एनसीबी ड्रग टेस्टिंग कर रही है, आप बाहर निकल रहे हैं तो बड़े बड़े लोग रफू चक्कर हो रहे हैं, रफू चक्कर गायब, और रवि श्रीवास्तव जी आकर के उनकी पैरवी कर रहे हैं चैनल पर। अच्छा रवि श्रीवास्तव जी छोटी मछली पकड़ेंगे तभी तो बड़ों के लोग मिलेंगे। रवि जी एक सेकंड, अरे रवि जी एक सेकंड, आप लोग तो बोलते हो अगर किसी पर प्रेशर पड़ रहा है एक सेकंड ममता जी, रवि जी एक सेकंड, जरा सिरसा जी आ रहे हैं, सिरसा जी आ रहे हैं बीच में, एक सेकंड सिरसा जी, और शिव जी महाराज का जो प्रसाद की आप लोग बात करते हैं ना वो वाला प्रसाद दूध उसमें बॉर्नविटा मिलाइए और शिव भगवान का प्रसाद समझ के पी जाइए। ओके 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 एक सेकंड अभी रवि जी से पूछते हैं, एक सेकंड अभी रवि जी से पूछते हैं, वो भी इसे शिव जी का प्रसाद मानते हैं क्या? एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए ममता जी एक सेकंड। रवि जी आप कह रहे हैं कि ड्रग्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जय हो आपकी रवि जी। ओके आप कहते हैं ड्रग्स लेना हिंदुस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है, जय हो रवि जी, रवि जी की जय हो, रवि जी आपकी जय हो। अब हो गया आप लोगों का जय जयकार करके। अच्छा ममता जी रवि जी प्लीज अभी अभी डाउन प्लीज, ओके ममता जी ममता जी ममता जी ममता जी प्लीज ममता जी ममता जी रवि जी प्लीज, हो गया आप लोगों का जय जयकार करके। तो मैं एक बार सिरसा जी को लेके आ रहा हूँ बीच में, सिरसा जी वो कह रहे हैं जिस एमएलए के यहाँ से पकड़ी जा रही है उसको पकड़िए ना, जो सेल कर रहा है, जो बेचारे खरीद रहे हैं, जो बेचारे मजबूर हैं दिल के हाथों, जो बेचारे मजबूर हैं दिमाग के हाथों, परेशान हैं, बीमार हैं, एडिक्ट हो गए हैं, मजबूरी हो जाती है वो रह नहीं पाते, पेट में दर्द हो जाता है उनको अगर नहीं मिलती है तो, उनको क्यों पकड़ रहे हो? वो तो थोड़ी बहुत लेंगे भी तो छूट जाएंगे बाद में, उनको well सजा said. तो होनी नहीं है। well said, रोहित जी बोलिए सिरसा जी। well said. रोहित जी, रोहित जी देखो वैसे तो मुझे नहीं पता
कि कोई आदमी एक आज तक जैसे एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल में कहूंगा आकर उस पर ऐसी बात कैसे कह सकता है। देखो हम जिम्मेवार लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है और देश के अंदर जो बच्चे हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं, ये उनके आइकॉन हैं और इस हद तक आइकॉन है। आपने भी देखा होगा कि अपने स्टार्स के लिए वो उनके फैंस कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे में उनके स्टार्स ड्रग्स कंज्यूम करते हों, उनके दोगले चेहरे हों। और मैंने जैसे आपको रोहित जी पहले भी कहा था, मुझे तो इस बात का जिंदगी भर मलाल और दुख रहेगा कि इस बॉलीवुड ने पंजाब को इतना बदनाम किया, एक पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा के, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के एक्सप्लॉइट किया, पैसे बनाए, जबकि वो लोग खुद नशे करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं कभी किसी भी, क्योंकि बेटियां बहनें जो भी बॉलीवुड में काम करती हैं उन नाम लेते अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब आपने जिसका नाम आपने लेना शुरू किया है, जो आपके पास सामने नाम आ रहे हैं, वो वही चेहरा है जो उस पार्टी में भी मौजूद है, वो फीमेल एक्ट्रेस वही है जो उस पार्टी में भी मौजूद है। और मैं तो बार बार आपको कह रहा था, लेकिन आज अगर हम ये कहें कि वो कंज्यूम करते हैं, वो तो छोटे मोटे लोग हैं, तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट होती है कि मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि वो स्टार हैं और वो कंज्यूम करते हैं, और उन सप्लायर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि ये तो बेचारे मजबूर लोगों को देने जाते हैं ना, इनका बेचारों को क्या कसूर है, उनको जरूरत पड़ती है इसलिए देने जाते हैं। तो जिनको आपने आज इस इतने बड़े मंच पे बुलाया है, रवि श्रीवास्तव जी, रवि जी देखो आपके बच्चे भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे जो आपने यहाँ पे कहा। स्मगल करते हैं बाहर से लेके आते हैं, स्टॉक करते हैं, वही तो असली मुजरिम है, मगर वो पार्लियामेंट में बैठे। तो सर, तो रवि जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, रवि जी आप नाम लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आप अगर नाम लेते हैं किसी का तो, लेकिन मेरा एक सवाल है रवि जी आपसे, आप ये कह रहे हैं कि जिसने हत्या की जी, मैं वो जिम्मेदार ना माना जाए, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं इजाजत लूंगा, आप नहीं रहेंगे आगे सिरसा जी कार्यक्रम में, ठीक, धन्यवाद आपका। रवि जी मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं जिसने चाकू लेके हत्या कर दी उसको जिम्मेदार ना मानो, जहां से वो चाकू उठा लाया उसको पकड़ लो कि भाई तेरे घर से चाकू कैसे उठा लिया इसने, या तेरी दुकान से चाकू खरीद कैसे लिया इसने। हत्या और ड्रग दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो ऐसे है जैसे कोई एप्पल और अंगूर, ठीक है सर, आप गलत कंपेरिजन कर रहे हैं सर। ये सब यहाँ पे अगर रिया ने कहा, लोगों ने कहा कि 80% लोग लेते हैं तो लेते हैं, उन्हें पकड़िए, उन्हें रिहाद में डालिए, उन्हें सजा दीजिए, उन पे साइन करिए, मगर वो मुजरिम नहीं है। असली मुजरिम जो है वो संसद में बैठे हैं। ये मत कहिए कि वो मुजरिम नहीं है, ये बेशक कहिए कि वो अकेले मुजरिम नहीं है, लेकिन ये मत कहिए कि वो मुजरिम नहीं है। रवि जी आप ये कहें कि वो अकेले मुजरिम नहीं है तो मैं सहमत होऊंगा, लेकिन आप कहें कि वो मुजरिम नहीं है तो मैं कतई आपसे सहमत नहीं होऊंगा सर। मैं नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ आपने कहा वो मुजरिम नहीं है, मगर वो बहुत छोटे मुजरिम है सर। अच्छा, तो छोटे को डिस्काउंट दे दो और बड़े को पकड़ो, इलाज करवाइए, छोटे को डिस्काउंट दे दो, इलाज करवाइए सर, उस पर कोड लगा दो, डिस्काउंट कोड, RS कोड लगा दो, रवि श्रीवास्तव कोड, इसको डिस्काउंट है क्योंकि ये छोटा है, इसने 100 ग्राम 50 ग्राम लेके अपने लिए पर्सनल यूज किया, लेकिन जो बड़ा बेच रहा उसको पकड़ो। प्रेम शुक्ला जी, इतने सारे आपने ड्रग पेडलर्स की लिस्ट लगा दी कि NCB ने इसको पकड़ा, इसके बाद इस तक पहुंचे, इसके बाद इस तक पहुंचे, ये ड्रग चैट खुली, ड्रग चैट से हीरोइन का नाम आया, हीरोइन के नाम से हीरो का नाम आया, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन ये बात तो सही है रवि श्रीवास्तव की कि आप अगर यूजर्स को पकड़ रहे हैं तो सर जो सेलर्स हैं उनको भी तो पकड़िए, जो होल्डर्स हैं उनको भी तो पकड़िए, वो भी तो खुलासा करिए। जब बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, जब यूजर पकड़ा गया तो यूजर सप्लायर का नाम देगा और सप्लायर जो है उसके सप्लायर का नाम देगा, स्टॉकिस्ट का नाम देगा, स्मगलर का नाम देगा, तो ये पूरी चैन है। लेकिन मुझे कृपा करके बताइए ना, रवि श्रीवास्तव जी जिनको कह रहे हैं कि कम निर्दोष है, वो कम निर्दोष लोग कब बाहर आकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाए ना, 164 CRP से बयान दे कि मैं फला फला व्यक्ति से ये ड्रग्स प्रोक्योर करता रहा, अब मैं ड्रग्स से मुक्ति चाहता हूँ, उनको ड्रग्स रिहैब में भेज दिया जाए और जहां से उन्होंने प्रोक्योर किया है उनको पकड़ा जाए। अब ये पकड़ने की जो साइकिल शुरू कहां से होगी, चैन शुरू होगी जब ड्रग्स लेने वाला पकड़ा जाएगा। अब जैसे ड्रग्स लेने वाले को पकड़ा, आप शोर मचाने लगे, अरे भाई ये तो शरीफ है, अरे भाई ये तो छोटा है, अरे भाई ये तो छोटी मछलियां है। अरे साहब, उन मछलियों को जिन्होंने ड्रग्स दिया, जब तक मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी उनको ड्रग्स देने वाला नहीं पकड़ा जाएगा।
और ये चयन है सर, मैंने बताया आपकी जानकारी ठीक है, वो अभी डीआरआई ने जरा शांति से सुन लीजिए, बीच में कोलाहल करने से लाभ नहीं होगा, आराम से शांति से। पिछले साल ही डीआरआई ने इसी मुंबई शहर से 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे, एनसीबी लगातार कार्रवाइयां करती रही है। मेरा सवाल ये है रोहित जी कि मुंबई पुलिस के पास एक एंटी नारकोटिक सेल है जिसकी 12 यूनिट सक्रिय है, मुंबई पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती है किसी को? ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि कारण उसका ये है एनसीबी बड़े सीजर्स करती है, जहां से सप्लायर्स उनको पकड़ती है, लेकिन जो पेडलर्स है उनको पकड़ने का काम एंटी नारकोटिक सेल करती रही है। एंटी नारकोटिक सेल मुंबई की पेडलर्स को पकड़ने के बाद उसको किसने सप्लाई किया, कितने मामलों की जाँच हुई, ये भी ये, मुझे लगता है मुंबई पुलिस में स्पष्टता से बताना चाहिए। शुक्ला जी, ये एंटी नारकोटिक सेल जो है, जब सिरसा जी ने चिट्ठी लिखी थी और फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नहीं होती थी क्या? नहीं, उस समय भी उसने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, उस समय अच्छा काम नहीं किया, अब आप चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे, तो कार्यकाल किसका, ये महत्व का नहीं है। ठीक सर, एंटी नारकोटिक सेल अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। ओके ओके, अनन्या सेठी कुछ कह रही है, उसके बाद श्री नासिर अब्दुल्ला जी के पास चलेंगे। अनन्या सेठी बोलिए। मैं बहुत एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। पहली बात, जैसे मेरे को हमेशा से एक अभिनेत्री बनना था, तो मैं इंडस्ट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ऑब्वियसली आई वुड हैव वांट टू, बट इफ मैं उधर जा रही हूँ एंड समथिंग इज नॉट राइट, देन आई ऑल्सो वॉन्ट लोग एक्शन ले, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करती हूँ अपने व्यूज देने के लिए। सेम वे मुझे लगता है कि ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, जो सेलिब्रिटीज है, उनका अपना प्लेटफॉर्म बहुत राइटली यूज करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को और अपने फैंस को। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें वो सिर्फ क्या खाते हैं दिन में, कहाँ घूमते हैं, कौन से गानों पे नाचते हैं और अपनी शक्लें दिखाते हैं, जो हमें ऑनेस्टली नहीं देखनी। हम मैगजीन और टीवी में काफी देख लेते हैं, हम चाहते हो बड़े बड़े सीरियस मुद्दों पे स्पेशली इंडस्ट्री के वो लोग बात करें इस बारे में। और श्रीवास्तव साहब, आपको सिर्फ एक बार मैं बोलूंगी, यहाँ सिर्फ पर्सनल यूज के बारे में बात नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेके कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितने यंगस्टर्स एक्सप्लॉयट होते हैं, कितना मिसयूज होता है ड्रग्स का, वो रीजन है जिसकी वजह से हमें मेजर क्लीन अप चाहिए। बिकॉज देयर आर मेनी यंगस्टर्स लाइक मी हु वांट टू गो टू दिस इंडस्ट्री, लेकिन हमें डर लगता है, इंडस्ट्री को इतना खौफनाक बना हुआ है, इट इज रियली स्कैरी, एंड ऑल द सीनियर एक्टर्स प्लीज कम टुगेदर एंड यूनाइट टू क्लीन अप दिस इंडस्ट्री। ओके, अब मैं श्री नासिर अब्दुल्ला जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ। नासिर अब्दुल्ला जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, पूरे सम्मान के साथ आ रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपका सम्मान नहीं करता। हम आपको बुलाते हैं तो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, जिनका नहीं करते सर उनको हम पूछते भी नहीं कि आप आके बैठो यहां पे। अब मेरा सवाल सर ये है कि क्या आपको लगता है फिल्म स्टार्स को, अगर ये लग रहा है कि अंदर इंडस्ट्री के कुछ चीजें गड़बड़ हैं, तो बड़े स्टार्स को खुद आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था यस वी नीड अ क्लीन अप एंड वी आर रेडी टू डू इट। अगर हमारी फैमिली में, हमारे घर में, इंडस्ट्री में कुछ गंदगी है, हम झाड़ू उठा रहे हैं, हम साफ करेंगे। लेकिन एक ने भी आके नहीं कहा, बल्कि सब जो आए वो डिफेंड करने लगे कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड को। जी, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर किसी फिल्म स्टार का भाई या बेटा इन्वॉल्व हो जाता है और फिर बड़ी मुश्किल में फंस जाता है और एडिक्ट हो जाता है, तब फिल्म स्टार जो है बहुत ज्यादा काम अपना करता है इस अपना चीज से हटवाने के लिए। लेकिन अगर बाहर में ये चीज़ जो है चल रही है, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है। क्यों नहीं होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि ये जो ड्रग्स का जो सिलसिला है, पहले सिर्फ हशीश और अपना गांजा का मामला था 40 साल पहले, अब वो चीज़ जो है जो भारी ड्रग्स हैं उसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए, क्योंकि जो भारी ड्रग्स हैं उनका जो असर होता है बहुत ही हैवी होता है और बहुत ही जल्दी इंसान उससे बर्बाद हो जाता है। तो जैसे कि दारू भी है, अल्कोहल है, दैट इज ऑल्सो अ ड्रग, उस पर वार्निंग लिखी होती है कि अल्कोहल किल्स डिस्ट्रॉयज होम्स, सिगरेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स। तो इनको इनको मतलब ये जो हैवी ड्रग्स हैं इसको हटाने की जरूरत है बहुत, और मैं इस चीज में साथ दूंगा। लेकिन हर चीज को भारी ड्रग ऐसा बोलना मुझको सही जो है नहीं लगता कि ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। तो आप ये कह रहे हैं मतलब कि कुछ ड्रग्स में ड्रग्स भी होते हैं जो जानलेवा नहीं होते। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ड्रग्स को मौज मस्ती वाली कैटेगरी में डाल के बॉलीवुड को छूट मिल जानी चाहिए।
क्या मैं इसको ऐसे समझूं? झूठ की बात नहीं कर रहा, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं अल्फाज नहीं डालूं कि ये चीज मैं देखता हूं 40 साल से, और बिल्कुल होना चाहिए। जरा हैवी ड्रग्स है, बच्चे बच्चे इसकी इसकी लत में आ रहे हैं, वेरी वेरी यंग। दिल्ली में हो रहा है बहुत, बेंगलोर में और अपना कलकत्ते में और हर जगह। अब मुझे एक बात बताइए, तो जरा सा अजीब लग रहा है कि बॉलीवुड पे इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दी जा रही है, बस इतना फर्क है। सर आज आज पार्लियामेंट में एक सवाल आया जहां ये कहा गया एक सांसद की तरफ से कि बॉलीवुड के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए। हो सकता है वो कहे कल को कि ठीक है बॉलीवुड के स्टार्स के डोप टेस्ट करेंगे, रैंडम डोप टेस्ट करेंगे जैसे खिलाड़ियों के हो जाते हैं जी। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए और इससे बेहतर हो जाएगी चीजें, सुधर जाएंगे लोग? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा मामला है और अगर बात इतनी बढ़ गई है, क्योंकि मेरा बॉलीवुड से जो मेरा जो रिश्ता है थोड़ा सा हट गया है, क्योंकि 8-10 साल से मैं कुछ खास एक्चुअली काम नहीं कर रहा, फिर भी रहता हूं बॉम्बे में और अपना दिल्ली में, मगर होना चाहिए बिल्कुल। देयर शुड बी अ बॉडी टू मॉनिटर कि क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, एंड देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इस चीज को देख के, खास तौर पे जो हार्ड ड्रग्स हैं जो जानलेवा हो जाते हैं 2-3 साल 4 साल के लेने के बाद, जो भारी ड्रग्स होते हैं, मतलब ये कोकेन है, एमडीएम है, बहुत सारे नाम मुझको सुनने में आते हैं, तो इसके बारे में वाकई में देयर शुड बी एन एजेंसी जो ऊपर से देखती रहे और मुआयना करती रहे। इस बात से मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम शुक्ला जी देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जरूरत ज्यादा होती है, लोगों को जरूरत होती है ज्यादा इंस्पायर करने के लिए, और ड्रग्स वही करते हैं जैसे जैसे दारू करती है, ड्रिंकिंग के साथ इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। नासिर साहब, सारे लोग अपना सेक्स पर ड्रिंक करते हैं। नासिर साहब अब आप बता रहे हैं और आपने खुद कहा है कि लोग करते हैं, तो आज खुल के बता ही दीजिए कि क्यों करते हैं, क्यों जरूरत होती है, क्या इसके बिना काम नहीं चलता, इसके बिना एक्टिंग नहीं हो पाती? ये नहीं नहीं, ये तो आपको, आप तो बड़े हैं, मेरे से बड़े नहीं हैं, लेकिन सबको मालूम है कि शराब पी करके सब लोग अच्छे, अपना कॉन्फिडेंस आता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, ऐसे ही ड्रग्स में भी कुछ होता है, लेकिन शराब अलग चीज है, दोनों हानिकारक होती है, लेकिन अगर सही मात्रा में लो तो बच जाते हैं आप, सही मात्रा में लो तो बच जाते हैं। लेकिन ड्रग्स का जो मामला है उसमें यह है कि जब ये के लत लग जाती है तब इंसान हल्के हल्के बर्बाद होने लगता है, ये मैंने हजारों लोगों में देखा है। ठीक सर, मैं नहीं हुआ इसलिए कि मैं डरपोक था, मैं डरता था इसलिए मैंने नहीं लिया ज्यादा, थोड़े बहुत अपना ट्राई किए थे ऋषिकेश में बहुत पहले, तो ठीक है वो दिन और थे, 1978 की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आपने आप बता ही दिया ना खुद, पहले आप मुझ पे नाराज हो रहे थे जब मैंने पूछ लिया था आपसे कि आप रिसर्च कर रहे थे। आप बात को क्यों, अब आपने खुद ही बता दिया। देखिए अब मत कहिएगा कि मैंने अल्फाज डाले आपके मुंह में, आपने अपनी मर्जी से बताया, आपने मार दिया ना हथौड़ा। नहीं मैंने कोई अल्फाज नहीं डाला, आपने अपनी मर्जी से बताया कि 78 में आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया। खुश रहिए आप, खुश रहिए आप, खुश रहिए। प्रेम शुक्ला वो तो कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए रेगुलेटरी बॉडी बना दीजिए, लेकिन कल को जब लोग कहेंगे कि सांसदों का भी डोप टेस्ट करिए ना, नेताओं के भी डोप टेस्ट करिए ना, नेताओं के लिए भी एल्कोमीटर लगाइए ना, करेंगे आप लोग, तैयार होंगे? होगी इतनी हिम्मत? कोई कोई किसी 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 को इस पर आपत्ति नहीं होगी। पहले बॉलीवुड देखिए, जो ट्रेड होता है या कॉमर्स की या किसी भी तरह की जो स्टॉक मार्केट है, इंडस्ट्री, ये सब का अपना रेगुलेटरी बॉडी होती है, और बॉलीवुड अब इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री तो उसमें रेगुलेटरी बॉडी आने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये डोप टेस्ट जो है सबके लिए नियम बनता है, तो पार्लियामेंटरियंस तो सारे नियमों को पाका पालन करते हैं। पार्लियामेंटरियंस जितना स्क्रूटनी को झेलता है उतनी स्क्रूटनी और किसकी होती है, मुझे बताइए, किसी एक्टर की ऐसी स्क्रूटनी होती है क्या? पार्लियामेंटेरियन को अपने पूरे जीवन का सारा चरित्र का प्रमाण पत्र जो है वो निर्वाचन आयोग के समक्ष देना पड़ता है, उसका जनता से उसमें मोहर लगवानी पड़ती है। जितना राजनेता की स्क्रूटनी होती है ना, उतनी स्क्रूटनी औरों की हो जाए तो आधे लोग इंडस्ट्री छोड़ के भाग खड़े होंगे बॉलीवुड वाले। रवि जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ रोहित जी, मुझे ये कहना है कि मुझे रेगुलेटरी बॉडी जैसी चीज पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत क्रिएटिव लोग भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक इस टाइप की चीज हो, जैसे आप फिल्म शुरू होने पर एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म में किसी भी जानवर के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसा एक डिस्क्लेमर आए कि इस फिल्म में काम करने वाले सभी आर्टिस्ट ने अपने आप को
ड्रग टेस्ट करवाया है और उन्होंने कोई ड्रग नहीं ली है। इस तरह का एक सेल्फ रेगुलेशन अगर इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करेगी तो मैं समझता हूँ ज्यादा फर्क पड़ेगा, बजाय इसके कि एक वहां पे रेगुलेटर बिठाया जाए। ममता काले बोलिए। जी देखिए, जहां तक रेगुलरिटी बॉडी का सवाल है, रेगुलराइजेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हर समाज से लोग होने चाहिए, तमाम केवल पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए, एक मिक्स्ड बैलेंस्ड एक पढ़े लिखे समझदार लोगों का एक एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से सीबीएफसी है, सीबीएफसी की एक मेंबर होने के नाते मैंने काम किया है सीबीएफसी में, मुझे पता है कि वहां पर भी बॉलीवुड बहुत प्रेशर डालती है और उनके खिलाफ भी झंडे निकाल देती है अगर वो कुछ ट्विकिंग करने की बात करते हैं। लेकिन ये ऐसी बॉडी होनी चाहिए, रेगुलरिटी बॉडी, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई भी प्रेशर जो है इनकी तरफ से नहीं आना आज चाहिए। आप ये बात बोल रही हैं, बॉलीवुड के जो लोग हैं वो कहते हैं, कोई कि कहेगा आके कि नहीं साहब, कुछ लोग ऐसे हैं आपने जो ये बॉडी बनाई है या जो टीम बनाई है, लेकिन कोई उन नामों को लेता नहीं। ममता जी आज आप ये बात कह रही हैं कि उसमें ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, कल को चार लोग और खड़े होंगे वो कहेंगे कि नहीं साहब इसमें कैटेगराइजेशन भी होना चाहिए, दो इस जाति के होने चाहिए, दो उस जाति के होने चाहिए, एक उस धर्म का होना चाहिए, एक इस धर्म का होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं कि अगर आप इस तरह की चीजों पे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो कहां जाके रुकेंगे, कोई अंत नहीं है उसका। ये आप नहीं कह रहे हैं, कल को कोई और आके कहेगा। नहीं, जाति वर्ग की बात तो गलत है, जाति वर्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी एक पक्ष के पास, व्हाट आई एम सेइंग रोहित जी इज कि केवल उसमें बॉलीवुड वाले हों, केवल उसमें क्या कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ऐसा नहीं। हमें वो सोचना पड़ेगा, पूरी कंप्लीट एक उसकी पूरे एसओपीज बनानी पड़ेंगी, एक पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें लोग रखने पड़ेंगे जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे समाज में तमाम तबके हैं जिसमें बहुत लोग हैं। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से जब जनता जाग गई तो कैसे बॉलीवुड के पूरे का पूरे हिला दिया है, तो वो बनाने वाली बात है और इसकी आवश्यकता है। इसमें कोई देखते की बात है कि अब ये बात निकली है तो कितनी दूर जाएगी। और सवाल ये भी होगा, क्या बॉलीवुड सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर सकता, जो अब एक रेगुलेटरी बॉडी की मांग उठने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। दंगल में आज मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या ड्रग्स कनेक्शन के बाद बॉलीवुड को नियंत्रित करने वाली संस्था बननी चाहिए। जो जवाब हमें आपने दिए उसमें 97% लोगों को लगता है हाँ ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जबकि 3% का कहना है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है।